एवरीवन, वेलकम टू सिल्वर बेस स्कूल मानसरोवर पालमपुर। माय सेल्फ समीर आचार्य। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 20 फूड एंड फॉर स्टैंडर्ड 4 ईवीएस। एक्चुअली हमने ये चैप्टर हमने गूगल तो लेक्चर में भी हमने देखा था, जूम के लेक्चर में। तो वी कैन कंटिन्यू हियर। ट्रिंग 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 द डोरबेल रिंग। मनप्रीत ओपन द डोर। सी सो दिव्या एंड स्वस्तिक देयर। ट्रिंग ट्रिंग करके घंटी बजी डोर बेल की। मनप्रीत ओपन द डोर। मनप्रीत ने डोर ओपन किया। सी सो दिव्या एंड स्वस्तिक देयर। उन्हें दिव्या और स्वस्तिक को वहां पे देखा। सी कॉल्ड अवर एक्साइटली सुरजीत। लुक हु हैज कम। तो उन्होंने एक्साइटली होके वहां पे देखा कि कौन आया है। तो सुरजीत को बोला लुक हु हैज कम। सुरजीत केम रनिंग। वो दौड़ के आया। व्हेन सी सो हर फ्रेंड्स सी हग देम हैप्पीली एंड सेड वेयर डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल। तो व्हेन सी सो हर फ्रेंड उनके फ्रेंड को देखा, उनको हग किया, गले लगाया और खुशी खुशी बोला वेयर डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल। आप हॉस्टल से कब आए? जस्ट यस्टरडे। यस्टरडे वो आया। व्हेन योर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स कहाँ पे है? वी वॉन्ट टू मीट देम सेड स्वस्तिक। तो स्वस्तिक ने बोला आपके जो पेरेंट्स उनको भी हमको मिलना है। वी वॉन्ट टू मीट देम। दे आर एट द गुरुद्वारा। उन्होंने ऐसा बोला वो गुरुद्वारा गए हैं। गुरुद्वारा मतलब वो वी आर अबाउट टू गो देयर टू। हमको भी उधर जाना है। सुरजीत रिप्लाइड ओ वेरी गुड वी विल ऑल्सो कम विद यू सेड दिव्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा हो, हम भी वहां साथ में जाएंगे। और दिव्या ने ऐसा बोला यू केम ओनली इन द वेकेशन। तुम हर साल वेकेशन में ही आते हो। डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल। तुमको हॉस्टल में रहना पसंद है। यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स सुरजीत आस्कर। आप अपने पेरेंट्स को मिस करते होगे सुरजीत आस्कर। सुरजीत ने पूछा ओके नेक्स्ट। दिव्या सेड वी डू मिस देम। हम भी मिस कर रहे हैं पर हॉस्टल लाइफ इज फन। हॉस्टल की जो लाइफ होती है दूर रहना पड़ता है हॉस्टल में अलग से तो अच्छी होती है, फन होता है। इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड वी एंजॉय इटिंग टुगेदर विद ऑल द फ्रेंड्स। अगर कोई दिन ऐसा होता कि हमको खाना पसंद नहीं है तो भी हम बैठ के फिर मतलब मिलके चिल्ड्रन टुगेदर एंड ईट, साथ में बैठ के खाते हैं। यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स। यू नो अगर कोई इन आवर हॉस्टल में होममेड फूड लेके आता है तो सारे उसके मतलब उसके रूम पे चले जाते हैं। डेट फूड गेट्स फिनिश विद इन मिनट्स दैट्स स्वस्ती लाफली। तो वो जो खाना होता है घर से लाया हुआ कोई फ्रेंड लेके आता है घर से आता है हॉस्टल में तो वो खाना तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि घर का खाना होता है इसलिए सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है इसलिए वो तुरंत सब खा लेते हैं। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद समवन हू गेट्स टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। अगर आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो यानी हॉस्टल में, अगर नहीं तो जो आपके फ्रेंड्स में अगर वहां पे रहता हो तो आप उससे पूछ के बता सकते हो। इन व्हाट वेज द बोर्डिंग स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। बोर्डिंग स्कूल में क्या डिफरेंट है कि बोर्डिंग स्कूल में आपको जो पढ़ाई जो होती है ठीक है ना वो उसके अलावा ये जो बिल्डिंग होती है उसमें आपको रहने के लिए रूम दिया जाता है और आपको शेयरिंग करना पड़ता है रूम। उसमें आपके फ्रेंड्स भी होते हैं और उसमें खाना भी आपको वही खाना पड़ता है। सब रूल्स और रेगुलेशन होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर। कौन कौन सा फूड मिलता है तो आपको वहां पे रोटी सब्जी दाल राइस जो आपको होता है नॉर्मली वो फूड मिलता है ठीक है ना। और इसमें आपको वीकेंड में या एवरी 15 डेज या रोटेशन में आपको स्वीट्स भी मिलती है। वेयर डू द चिल्ड्रन सीट टू बी इन द बॉडी स्कूल। तो एक बड़ा सा हॉल होता है चिल्ड्रन के लिए, वहां पे सब बैठ के खाना खाते हैं डिसिप्लिन में लाइन में। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बॉडी स्कूल? हु सर्व्स द फूड? तो वहां पे जो कुक होता है वो वहां पे वो सर्व करता है और वहां पे जो दूसरे लोग होते हैं फूड वहां पे वो जो पिन वगैरह वो वहां पे सर्व करते हैं। हु वॉशेस द वेसल्स ठीक है ना। तो जो अपने वहां पे बर्तन रखने वाले भी होते हैं और कई जगह पे खुद से भी स्टूडेंट वॉश कर लेते हैं तो अलग अलग होता है और अगर ना हो तो वहां पे वॉश करने के लिए पर्सन भी रखे हो तो वो ही वॉश कर लेते हैं। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स? यस वो होम मेड फूड मिस करते हैं। वहां पे जो घर पे हम खाना खाते हैं हॉस्टल में थोड़ा डिफरेंट होता है तो कई बार वो लोग मिस करते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? व्हाई? हाँ अगर बोर्डिंग स्कूल में कई लोग को लगता है कि जाना है कई लोग का सबका अलग अलग होता है क्या बोलते हैं कि नहीं उसमें ऐसा पर स्टार्टिंग में आपको लगता है जब आपके फ्रेंड्स मिलते हैं साथ में आप रहते हो फ्रेंड्स के साथ तो आपको एक
डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छा लगता है। तो खुद का काम खुद करना पड़ता है तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, आपको सीखने को भी मिलता है। ओके, नाउ यूर कैन सी एट द गुरुद्वारा, पिक्चर में गुरुद्वारा का है। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। अगर वो गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो हेड होता है वो कवर करते हैं। दे वेंट टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा, दे वेंट टू, वो किचन में गए गुरुद्वारा के। लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, सारी बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे चल रही थी। फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन ह्यूज वेसल्स, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो खाना पक रहा है बड़े बड़े बर्तन में। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, एक साइड पे चना और उड़द दाल है वो बॉइल हो रही है, वो पक रही है वहां पे। ओके, इन द अदर वेसल्स, दूसरे बर्तन में कॉलीफ्लावर एंड पोटेटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, कॉलीफ्लावर और पोटेटो की जो वेजिटेबल है जो सब्जी है वो वहां पे पक रही है। देयर इज योर पापा सुरजीत, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक सेड। तो देयर इज योर पापा, मतलब उसके पापा थे सुरजीत के, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक ने ऐसा बोला कि उनको हम मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, मंजीत सिंह जिसके पापा सुरजीत के वो उनको देख के खुश हुए बच्चों को। अंकल वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, वट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वस्तिक आस्क्ड। स्वस्तिक ने पूछा कि अंकल आप, हम भी आपकी हेल्प करेंगे किचन में, और आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो। मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग काढ़ा प्रसाद, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। तो मंजीत सिंह ने बोला सुजीत के पापा ने कि मैं काढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, रोस्ट द फ्लोर, जो फ्लोर होता है वो घी में मिक्स करके बिग बड़ी कढ़ाई में, और उससे वो काढ़ा बनता है। दिस काइंड ऑफ हलवा इज़न्ट इट, ये व्हाट टाइप ऑफ हलवा है, ऐसा वो उन्होंने बोला चिल्ड्रन ने। व्हेन यू विल ऐड सुगर इन इट, आप सुगर कब मिक्स करते हो, दिव्या आस्क, दिव्या ने ऐसा पूछा। डेज ऑफ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, दिव्या आस्क व्हाट आर यू डूइंग आंटी। तो दिव्या ने जो मंजीत की मदर थी उनको भी पूछा क्या मीटर क्या कर रहे हो। बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बैक देम इन दिस तंदूर, तो आप पिक्चर में भी देख रहे हो रोलिंग चपातीज जो हो रही है, ठीक है ना, वो बैक कर रहे हैं इन दिस तंदूर। सो मैनी चपातीज एट वंस गो, ठीक है ना, बहुत सारे चपातीज एट वंस गो, साथ साथ है क्योंकि सबको साथ में खाना पड़ता है, बहुत से लोग होते हैं, दैट्स व्हाई इस तरह वो कुक करते हैं। दिव्या वाज सरप्राइज्ड, कैन आई हेल्प श्योर, दिव्या ने बोला मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कम एंड ट्राई, यार एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, इधर सब लोग मदद कर सकते हैं पर आप अपने हैंड वॉश फर्स्ट ऑफ ऑल कर दो, रिप्लाइड आंटी, आंटी ने ऐसा बोला सारे चिल्ड्रन को। आगे दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर दी दबा, दिव्या ने अपने हाथ धो लिए एंड वो जो वहां पे जो चपाती पक रहे थे वहां पे उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया। द दबा वॉज वेरी हॉट, दबा बहुत हॉट था, गर्म था। She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. So applying ghee, मतलब ghee वहाँ पे apply किया chapatis में, जैसे हम खाते कर रहे वैसे, they were being taken out of the tawa, तो वहाँ से तवा से निकाला। Swastik wondered and exclaimed, who brings all the material to cook so much food? Swastik ने मतलब देखा और पूछा कि इतना सारा material खाना बनाने के लिए कौन लाता है? One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or the other. इधर हर कोई मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करता है, चैरिटी करता है, देता है अपने आप से, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि आपको लेके वो अपने आप से लेके आते हैं। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड सम अदर हेल्प इन द वर्क, हर कोई इधर मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, कोई पैसे देता है, कोई कोई चीजें लेके आता है, तो इस तरह पूरा कोई मदद करता रहता है। सो स्वस्तिक हाउ डू यू फील इट, सेड मनप्रीत, तो मनप्रीत ने बोला कि किस तरह क्या आपको फील हुआ, कैसा लगा। यस आई एम एंजॉयिंग वर्किंग विद एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा, सेड स्वस्तिक, स्वस्तिक ने ऐसा बोला। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दीज फूड आइटम्स, चपाती, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल वॉट प्रिपेयर सो फास्ट, तो हमने देखा कि इधर फूड जो आइटम है जो हमने देखी उसमें ये सारी चीजें बहुत फटाफट और बहुत जल्दी हो गई क्योंकि सारे लोग मिलकर काम करते थे। आफ्टर अरदास प्रेयर कड़ा प्रसाद और डिस्ट्रीब्यूटेड, अरदास प्रेयर के बाद कड़ा का जो प्रसाद है जो वहां पे बन रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डोरीज मैट इन द वरंडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर,
तो सारे जो बॉयज थे क्विकली ले आउट टूरिस्ट मतलब मैट्स जो होती थी वहां पे वो बिछाई और वरंडा ऑल द पीपल सेट डाउन, तो उस पर वो लोग बैठ गए टू हैव लंगर। लंगर मतलब जो साथ में बैठ के खाना खाते हैं गुरुद्वारे में उसको लंगर बोलते हैं। सब पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरी वन एट टूगेदर। कोई वहां पे फूड दे रहा है बस सर्व कर रहा है, कोई वाटर दे रहा है पानी दे रहा है, और एवरी वन एट टूगेदर सब साथ में बैठ के खाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरी वन पिक अप वन ओन प्लेट एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स। तो अब जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो अपने अपने खुद की प्लेट बड़े बड़े बर्तन में ड्रम में वो रख देते हैं। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड जो पीपल लोग वहां पे कुछ लोग सर्व कर रहे थे वो बाद में बैठ के खाना खा लेते हैं और वो क्लीन भी कर लेते हैं और सारे बर्तन फिर वो वॉश करने के लिए दे देते हैं। Have you ever seen this kind of arrangement? स्वस्तिक asked the Mantri. तो ऐसा बोला मंत्री कर तुमने ऐसी कोई जगह पे अरेंजमेंट देखी हुई है, स्वस्तिक को पूछा। ओके टॉक अबाउट इट, ठीक है ना। द कुकिंग एंड ईटिंग टूगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। जैसे हमने आगे बताया कि कुकिंग मतलब कुक करना पकाना और साथ में बैठ के खाने खाना गुरुद्वारा में उसको लंगर बोलते हैं। Have you ever eaten in लंगर where and when? अगर आपने कई जगह पे ऐसा खाना खाया हो लेकिन गुरुद्वारा आप गए हो पर्सनली और आपने ऐसा फील किया हो तो यू कैन टेल हियर हाउ मेनी पीपल वेयर कुकिंग एंड हाउ मेनी वेयर सर्विंग द फूड देयर। वहां पे कितने पीपल लोग थे कुक करने के लिए और सर्व करने, तो अपने हिसाब से जिसको भी लगता है कि हमको हेल्प करनी है तो कुछ लोग वहां पे हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और सर्व भी करते हैं, जैसे फूड भी देते हैं और पानी भी देते हैं। Are there any other occasion when you have eaten with many people? When and when? Who cooked and served the food there? तो अगर आपने कोई ऐसा कोई occasion दिया देखा हो कि साथ में मिलके अगर आपने कोई जगह पे खाना खाया cook किया, ठीक है ना, तो कोई function में ऐसा होता है, कोई festival होता है, तो इस तरह अगर आपने कहीं पे enjoy किया तो you can write here, आप discuss कर सकते हो। तो इधर देखो आप pictures में ये सब सारी चीजें जो गुरुद्वारा में होती है जो खाना बनाते हैं कुक करते हैं, ठीक है, फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सारे इस पिक्चर में आपको दिखा दिया होगा। ये देखो इधर चपातीस हो रही है, ठीक है ना, ये इधर सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वो आगे हमने देखा मनमृत के जो फादर है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदर भी हेल्प कर रही है चपातीस है, फिर खाना सर्व कर रहे हैं। कैसी वो ये पिक्चर्स में आपको सारा दिख रहा है डिफरेंस इज फ्रॉम गुरुद्वारा लंगर। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सीन्स है पिक्चर्स है गुरुद्वारा में जो लंगर जो होता है लेकिन टुगेदर, ठीक है ना, कुक भी करते हैं और सर्व भी करते हैं। तो ये सारी चीज जो है आपको पिक्चर में यू कैन सी ओवर हियर। ओके तो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके थैंक यू।